السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك फाफ़िलहम फ़िलर फ़ैद आज़म तफ़ा तवक्बमतवक्न महतरमदनी व मिली भाइयों अभी आपके रूबरू कुरान मजीद सूर् आमरान की एक आयत करीमतलावत की गई है जिसमें अल्लाह हबल्ज़त ने अपने हबीब जनाब महमद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम को एक नबी और ज़िम्मेदार की हैसियत से आपको चंद बातों की नसीहत की है कि नबूत और रिसालत की इस अजीम जिम्मेदारी को कामयाबी और बहसन खूबी अंजाम देने के लिए आपको पांच बातों पर अमल करना पड़ेगा वो तो पांच बातें क्या हैं मैं आपके सामने एक एक करके रखता हूँ सबसे पहली चीज है कि नरमी अल्लाह अपने नबी को नबूवत और इसादत की इस जिम्मेदारी को कामयाबी के साथ यानी अच्छाई के साथ अंजाम देने के लिए सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी और सबसे पहली जो नसीहत कर रहा है वो ये है कि आप अपने अंदर नरमी पैदा करें और चूँकि आप नरम हैं इस वजह से लोग आपके करीब आ रहे हैं मालूम हुआ कि लोगों को करीब करने का एक तरीक़ा ये है और खसूसा दावत व तबलीग के मैदान में कि आदमी नरम मिजाज हो सख्त दिल ना हो संग दिल ना हो इसी ख़ूबी को अल्लाह ताला बयान कर रहा है फ़बी तलम कि ऐ नबी करीम करी वस्सलाम अल्लाह के रहम करम से आप नरम मिजाज हैं आपका दिल नरम है आपकी ज़ुबान नरम है गुफ्तार नरम है इस वजह से लोग आपके करीब आते जा रहे हैं ये आपके अंदर बहुत बड़ी ख़ूबी है वलो कु अगर आप नर मिजाज ना होते तो ये जो लोगों का एक जम गफफ़ी एक हजूम जो आपके इर्द गिर्द घूमता है आपके लिए कुर्बानी का जज्बा रखता है आप चलते हैं तो वह आपके पीछे चलते हैं आप उठते हैं तो वह आपके साथ उठते हैं आप बैठते हैं तो वह आपके साथ बैठते हैं ये जो इतने लोग जो आपके इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं अगर ए नबी करीम सलाम आप सख्त दिल होते तो ये हजूम आपके इर्द गिर्द ये लोगों का आपके आस पास आना नहीं होता ये लोग आपके करीब नहीं होते तो सबसे पहली चीज क्या है एक जिम्मेदार के अंदर वो जिम्मेदारी किसी भी सतह पे हो चाहे वो घर का जिम्मेदार हो चाहे वो किसी इदारे का जिम्मेदार हो मस्जिद का जिम्मेदार हो मदरसे का जिम्मेदार हो आदमी के अंदर इस खूबी का होना बहुत जरूरी है तभी वो सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी को अदा कर पाएगा सबको साथ लेके चल पाएगा दूसरी क्या चीज़ है दूसरी जो तारीम अल्लाह ने अपने नबी को दी इस मिशन में और रिसालत के मिशन में वो क्या है वह है कि फाफ और दूसरी चीज जो आपको अपनानी है वो यह है कि आप दरगुजर से काम लें इग्नोर से काम लें नजरअंदाज करें हर बात पर गिरफ्त हर बात पर पकड़ हर गलती पर डांट फटकार आप अपने अंदर ये बुराई ये मत पैदा कीजिए फाफ अनहुम नजरअंदाज करते रहिए और तीसरी चीज वस्तफुरहुम आप ख़ुद माफ़ कीजिए नज़रअंदाज कीजिए और जब उनसे कोई कोताही हो जाए तो अल्लाह से उनके मकफ़रत के लिए दुआ भी कीजिए उनकी हिदायत के लिए दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सही समझ अदा फरमाए अल्लाह उन्हें तौफीक अता फ़रमाए उनसे जो कोताही हुई है अल्लाह उनको माफ़ करे यानी आप फाफु अन हम आप उनको खुद भी माफ़ कीजिए और अल्लाह हरबुल्ज़त से उनके हक़ में मकफ़ुरत की दुआ भी कीजिए फाफु अनहुम व वशाविर हम अम्र और नबूवत और रिसालत की इस अजीम जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए एक चौथा काम जो आपको करना है वो ये है फिल हम कि आपको मशवरे से काम करना है मिलजुल कर बैठ कर कोई प्लानिंग अगर कोई मिशन आपके नज़र में है कोई कदम आपको आगे बढ़ाना है तो आपको मशवरे से काम करना है मनमानी काम नहीं करना है अपने मातहत से आपको मशवरा करना देखिए कि कितनी बड़ी बात है आप गौर करें कि जिस नबी पर अल्लाह इज़्ज़त की जानिब से वक्तन फवक्तन गाहे बगाहे कदम ब कदम वही इलाही का नज़ोल हो रहा है उसके बावजूद उस नबी को अपने मातहत, अपने आस पास अपने सहाबा से मशवरे की तलीम दी जा रही है यानी एक मेदार को अपनी िमेदारी की अदायगी के लिए अच्छे तरीके से उसमेदारी को अदा करने के लिए मशवरे की कितनी अहमियत है वही का नज़ूल भी हो रहा है लेकिन उसके बावजूद नबी करीमरे को यह तीन है यह गाइडलाइन है कि आपको मशवरे से काम करना है मशवरे से काम कीजिए अपने से ज़्यादा जो तजर्बेकार लोग हैं उनसे मिलिए उनसे बात कीजिए और उसके बाद मशवरे से काम करने के बाद चूंकि मशुरा यह मुसलमानों की खूबी यह सिफ़त है वह अमरूह शूरा बई न हो कि मुसलमानों की ये बहुत बड़ी ख़ूबी है कि वह कोई घर का काम हो घर के मसायल हों मिलनी मसायल हों मदरसे के मसाइल हों मस्जिद के मसाइल हों कोई भी मामला और मसाला हो मुसलमानों की ये बहुत बड़ी ख़ूबी है कि वह मनमाने काम नहीं करता है वो कोई भी कदम बढ़ाएगा तो सोच समझ कर पहले मशवरा करेगा फिर कदम बढ़ाएगा तो ये चौथी चीज़ जिसको हर जिम्मेदार को इस बात को अपनी ज़िंदगी में क्या है लाना ज़रूरी है फायदा आज़म था मशवरे के बाद जब बात तय हो जाए जब किसी बात पर इत्तफाक हो जाए जब उस काम को करने में सही सबको लगे कि हाँ ये काम करना चाहिए मशवरे के बाद फ़ायदा आज़म था तो जब आज़म कर लो कि हाँ ये काम करना है ये क़दम बढ़ाना है इस काम को अंजाम देना है आजम हो जाए जब आज़म कर लो तवक्कल अल्लाह। तो पांचवी चीज़ क्या करनी है अल्लाह पर तवक्कल करना है इख्तियार करने के बाद मशवरा करने के बाद आपको अल्लाह की जात पर भरोसा करना है। भरोसा करके अल्लाह की ज़ात पर आप वो काम करिए इन मुतवक्किलीन क्योंकि अल्लाह तबारक तआला भरोसा करने वालों को पसंद करता है ये मेरे भाई पांच बातें सबसे पहली बात क्या हुई एक जिम्मेदार को अच्छे तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने के लिए मिलजुल कर साथ चलने के लिए क्या चीज़ सबसे पहले जरूरी है कि उसका नरम होना नरम मिजाज होना जुबान उसकी नरम हो दिल उसका नरम हो सख्त मिजाज ना हो सख्त जुबान ना हो बोली सख्त ना हो इसलिए याद रखिए सख्त मिजाज आदमी की मिसाल ऐसे ही है जैसे सुई ई देखे ना आपने सुई कितनी भी कीमती हो सू सोने की क्यों ना हो सू चांदी की क्यों ना हो कितनी महंगी क्यों ना हो सूई सुई होती है जहां लगेगी जिसम पर चुभ जाएगी चुभेगी वो इसी तरीके से वो आदमी जिसका मिजाज सख्त होता है जिसकी जुबान सख्त होती है उसके इर्द गिर्द लोग नहीं जाते इस वजह से वो चुभता है समझ रहे हैं वो कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो वो कितना खूबसूरत क्यों ना हो वो चुभेगा लोग उसके करीब नहीं जाएंगे जो जिसका दिल नरम होगा जिसकी ज़ुबान नरम होगी उसके करीब लोग आएंगे, उसके साथ लोग चलेंगे उसके साथ लोग करेंगे तो ये पांच चीज़ें पांच ख़ूबियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को बताया कि अय नबी नबुवत की इस अज़ीम जिम्मेदारी के लिए आपको इन पाँच काम को करना है अल्लाह तआला मुझको और आपको हमें जो है अमल की तौफीक अता फरमाए आमीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और manhaj e पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा तआउन करें ताकि आपके लिए जरियाए नजात, जन्नत के हुصول का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाक अल्लाह खैरन